जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म गीताधाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम एक्टिव पैसिव की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। इसी बहुत सारी क्लास है, इसी वॉइस के आधार पर चलेगी। पहले अपन बेस को तैयार करते हैं कि छोटे लेवल पर अपन किस प्रकार से वॉइस वाले जो हमारे सेंटेंस आते हैं एक्टिव के, उनको अपन ईजीली वापस इसको चेंज कर सकें पैसिव के अंदर, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं लिए थे, कल जो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे जिसके आधार पर अपन पांच ऐसे और एक्टिव लिए हैं जिनको अपने को चेंज इनटू पैसिव में बदलना है, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपको पांचों के जो मैंने रूल्स बताए थे वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। हमारा पहला काम होता है कर्म को कर्ता के स्थान पर लाना, ठीक है ना। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर लाएंगे तो सब्जेक्ट ही बनेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का क्या बनाना, सब्जेक्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको बताई थी कि वो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा कहाँ, तो वो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा एमवी के जस्ट पीछे, ठीक है ना। तो उसी ऑब्जेक्ट को हमें मान्यता देते हुए आगे लाना और उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी आपको टेंस को चेंज करने के कुछ रूल्स बताए थे, ठीक है ना। तो टेंस चेंजिंग रूल जो है उसमें पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो सबसे पहले गांठ बांधनी, कौन सी, कोई भी इंडेफिनेट हो तथा परफेक्ट टेंस हो, इंडेफिनेट तथा परफेक्ट टेंस होता है उसमें अगले टेंस की एच वी लगती है। याद रखें इंडेफिनेट और परफेक्ट टेंस में अगले टेंस की एच वी लगती है, ठीक है। और अगर हमारा टेंस कौन सा है, कंटिन्यूज है, किसी भी टेंस का अगर हमारा कंटिन्यूज टेंस है तो उसमें एच वी उसी टेंस की रहती है, एच वी उसी टेंस की रहती है, लेकिन मन से अपन क्या जोड़ते हैं, बेइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, बेइंग, ओके। और इससे बाद वाला जो हमारा इम्पोर्टेंट रूल था वो ये था कि अपन इस पैसिव के अंदर जब भी एक्टिव को चेंज इनटू पैसिव करते हैं तो एम वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। टेंस चाहे कैसा ही हो अपन को वो मतलब नहीं, एम वी कौन सी यूज करनी है, थर्ड का प्रयोग करना है, ठीक है। और फिर मैंने अंतिम बात बताई थी इसी के अंदर जो सिंपल रूल्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि अपन क्या करेंगे कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब अपन ने सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, एम वी बना दी, तो अब लास्ट वाला हमारा नियम ये है कि जो हमारा खुद का एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको भी वापस क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। यानी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, अब लास्ट में बचा एक्टिव का खुद का सब्जेक्ट, तो उसको चेंज इनटू किस में करना है, ऑब्जेक्ट में। लेकिन उसको चेंज करने से पहले मुझे क्या लगाना होगा, बाई लगाना होता, ठीक है। तो ध्यान से देखिए उन रूल्स के आधार पर मैं इस पहले को एक्टिव को कैसे चेंज करता हूँ। आई हैव कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट, अब हैव प्लस एमवी थर्ड आते हैं, आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसके अंदर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और दूसरी सबसे अच्छी नियम मैंने आपको बताई थी कि अगर हम एक्टिव पैसिव चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेंस की सारी जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वापस जाइए, सारे वीडियो देखिए, टेंस के वीडियो पढ़ें, ठीक है। और उन वीडियो में से आपको मिलेगा कि कौन सी चीज इसके अंदर है। अब देखो मेरा काम है कि मुझे सबसे पहले ढूंढनी है एमवी, एमवी ये पड़ी को इसके पीछे पड़ा ये फूड, तो ये मेरा जो पैसिव बना जा रहा है, इस पैसिव है सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, फूड। क्यों लिखना है, क्योंकि कर्म को कर्ता के स्थान पर, कर्म का है एमवी के पीछे, ये मैंने सबसे पहले काम इसको कर दिया, ठीक है, फूड। अब दूसरा होगा एच वी परिवर्तन करना, तो एच वी यानी कि ये टेंस कौन सा है, परफेक्ट, इंडेफिनेट और परफेक्ट टेंस में अगले टेंस की एच वी लगती है, तो फूड के साथ में मुझे क्या लगाना है, हैज, और फिर लगेगा बीन। हैज बीन क्यों लगा, क्योंकि हैव तो है एमवी कौन सा, परफेक्ट टेंस है, और अगला टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, हैज बीन, ठीक है। तो फूड हैज बीन कुक्ड, ठीक है, कुक्ड यानी एमवी थर्ड ही लिखी हुई है, तो अपन भी किसका प्रयोग करेंगे, एमवी थर्ड का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो गया, फूड हैज बीन कुक्ड, ठीक है, फॉर द गेस्ट। अब इसको चाहे तो आप पहले लिख सकते हो, चाहो तो बाद लिख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई आपको कॉम्प्रोमाइज होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। अब आता है बाई का प्रयोग, पीछे क्या बच गया, सब्जेक्ट बच गया, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर बाई लिख के चेंज करूंगा तो आई का क्या बनेगा, ये बन गया मी, ठीक है ना, आई मी बाई होता है, तो आई का मैंने क्या चेंज कर दिया, मी, तो हमारा सेंटेंस बन गया फूड हैज बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट बाई मी,
ऐसे भी बना सकता है फूड हैज बीन कुक्ड बाय मी फॉर द गेस्ट, दोनों के भाव एक ही निकल गया। हमारा मतलब होता है कि हमने जो सेंटेंस बनाया उसका मोटिव या उसका हिंदी में क्या वास्तव में इस पेशी के रूल्स के अकॉर्डिंग है, क्या वास्तव में उसका पेशीवली बन रहा है, तो उसमें अपन को इसमें पीछे वाले में आवश्यकता है नहीं कि आपको इतने ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है ना। तो अपन आते हैं नेक्स्ट पर आते हैं, तो नेक्स्ट हमें कहता है ये है आर टीचर इज टीचिंग यू, तो इज लगाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूज है, तो मैंने बताया था कि कंटिन्यूज में टेंस उसी टेंस की अच्छी रहती है, मैम से क्या लगाते हैं अपन बेइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो एम वी के ठीक पीछे क्या आया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर यू। अब यू के साथ में क्या लगता है, यू के साथ में तो आर लगता है, मैंने यहाँ पर लगाया आर, ठीक है। और मन से क्या लगाना है, मन से लगाना है बेइंग, मैंने जोड़ दिया यहाँ पर बेइंग क्योंकि कंटिन्यूज टेंस के हिसाब से, ठीक है। फिर एम वी लगा दी, तो एम वी कौन सी लगेगी, एम वी लगेगी एम वी थर्ड, ये लगा दी एम वी थर्ड, ठीक है ना। यू आर बेइंग टॉट बाई, बाई लगा दिया, पीछे क्या बचा आर टीचर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टीचर, ठीक है। बहुत ईजी है, क्या है यू आर बेइंग टॉट बाई अ टीचर, बहुत आसान सा आपने इसको चेंज किया है। अब बात आते हैं तीसरे एक्टिव पर, तो इसका अपन क्या बनाएंगे पैसिव। सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हमने एम वी का लगा रखी है, आई वॉश माई हैंकी, ठीक है, हैंडकरचीफ इसको शॉर्ट में हैंकी बोलते हैं, ठीक है, रुमाल को कहते हैं। तो वॉश यानी कि एम वी फर्स्ट लगी और पीछे क्या लगा माई हैंकी, ठीक है। तो अपन का ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया माई हैंकी। दूसरा ध्यान रखे, ये हमारा बहुवचन करता है और आगे एम वी फर्स्ट है, इसका मतलब क्या हो गया प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन या फिर एकवचन करता होता तो वहां पर अपन इसमें क्या लगाते एस और ईएस का नियम लगाते, ठीक है, बट ऐसा इसके अंदर है नहीं। तो अपन अगले टेंस के एच लगाएंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, ठीक है। माई है, ठीक है ना, माई हैंकी। अब एक ही रुमाल है तो अपन बात किसी कर रहे हैं, एज की बात करेंगे क्योंकि एक वचन करता हो गया, ठीक है ना। तो माई हैंकी एज वॉज, ठीक है ना, वॉज। अब है बाई, और फिर आई का अपन चेंज किसमें कर देंगे मी के अंदर, ये बन गया शॉर्टली, बहुत ही आसान सा एक सेंटेंस हो गया है, माई हैंकी इज वॉज बाई मी, ओके, नो डाउट। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर फोर पर, इसका अपन क्या बनाएंगे पेशी बनाएंगे, ठीक है ना। याद रखना कुछ आगे अपन जाने के बाद में ऐसे ही सेंटेंस अभी जिसका मैं पेशी दूंगा उसका एक्टिव बनाना होगा, ठीक है ना। सो सी रॉट अ लेटर टू अवर फादर, ठीक है ना, तो सी रॉट अ लेटर टू अवर फादर यानी उसने अपने पापा को एक लेटर लिखा, ठीक है ना। तो रॉट है इसका मतलब एम वी कौन सी हो गई है, ये एम वी सेकेंड है, तो इसका मतलब टेंस कौन सा है पास्ट इंडेफिनेट है, अगला टेंस कौन सा होता है पास्ट कंटिन्यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूज की एच कौन सी है सॉरी वाज और वर, तो मैं वाज या वर का पेपर इसके अंदर एच का प्रयोग करना है। तो इस एम वी के ठीक पीछे क्या आया हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है, हमने सबसे पहले क्या लिख दिया अ लेटर, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया अ लेटर। अब अ लेटर मतलब एक ही है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे वॉच। अब सब्जेक्ट हो गया एच वी हो गया, तीसरा नंबर किसका आता है एम वी का, तो एम वी है राइट नॉट रिटर्न, तो यहाँ पर हो गया रिटर्न, ठीक है ना, अ लेटर वॉच रिटर्न। अब है सी या फिर टू और फादर, ठीक है ना, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, जो मर्जी को करो नो डाउट, अपन यहाँ पर कर दिया बाई। अब सी को मैं क्या बनाऊंगा हर, ठीक है, बाई हर टू हर था, ठीक है, ये सेंटेंस को अपन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अ लेटर वाज रिटन बाय हर टू हर फादर, एक लेटर जो है वो उसके द्वारा लिखा गया था उसके पापा को, ठीक है ना। ये पहला अपन एक्टिव तो ये बनाया कि सी रॉट अ लेटर टू हर फादर, उसने अपने पापा को एक लेटर लिख लिया, तो एक्टिवली बात हो गई, मतलब कर्ता की बात हो गई। अगर इसी बात को कोई दूसरा बंदा बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा इस बात को, अ लेटर वाज रिटन बाय हर टू हर फादर, यानी कि एक लेटर जो है वो उसके द्वारा लिखा गया उसके पापा को, ठीक है ना। तो पैसिव वाली बात मतलब उस ऑब्जेक्ट को आगे रखते हुए मैं अगर बात को रखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या लिखा गया था, तो क्या लिखा गया था लेटर लिखा गया था, किसको लिखा गया था उसको लिखा गया था, किसके पापा को उसके पापा को, वो अपना सेंटेंस क्लियर, ठीक है। अब बात आती है आज के अपन के लास्ट वाले पैसिव की तरफ, ठीक है ना।
तो इसको अपन चेंज करेंगे, ही वाज बैक बाइटिंग मी बिफोर माई फादर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बदलूंगा, तो बैक बाइटिंग और फिर आया मी, तो मुझे किसी को नहीं पूछना, सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, सब्जेक्ट, ठीक है। अब टेंस कौन सा है, ये वाला, तो आई के साथ में ही वाज लगना है, यहाँ पर मैंने लगा दिया वाज। कंटिन्यूस में टेंस एच वही रहती है, मन से क्या लगाते हैं, बेइंग, ये जोड़ दिया हमने बेइंग, ठीक है ना। आई वाज बेइंग बैडमिंटन, ठीक है, आई वाज बेइंग बैडमिंटन, ठीक है ना, बाय हिम, ठीक है, ये जोड़ दिया हमने बाय। अब ये हमारा है ऑब्जेक्ट, चेंज करेंगे इसमें, तो इसको चेंज करते बस ही का क्या होया, हिम। पीछे क्या बचा, बिफोर माई फादर, तो ये जोड़ दिया हमने बिफोर माई फादर, ओके। आई वॉज बींग बैडमिंटन बाय हिम बिफोर माई फादर। तो ये इस प्रकार से आपने पांच ऐसे एक्टिव है जिनको पेसिव में बदलाएं केवल टेंस फॉर्मेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अगर आपको ये जो अभी तक मैंने ये टेंस फॉर्मेशन के आधार पर कुछ पांच ऐसे एक्टिव है जिनको चेंज करवाया है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी टेंस फॉर्मेशन अभी तक मजबूत नहीं है। पहले टेंस फॉर्मेशन को मजबूत कीजिए, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपन एक्टिव पेसिव वाले यानी कि वॉइस तथा नरेशन को काम में लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन 100% करना, उसको बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स।